संसद में धुआं प्रकरण पर उठाए गए सवालों पर निलंबित किए गए सांसदों को बहाल किए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर वामपंथी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि केंद्र सरकार की इस कार्रवाई से लोकतंत्र की हत्या हुई है। कहा गया कि संसद में धुआं प्रकरण पर विपक्षी सांसदों ने सवाल पूछे थे और गृह मंत्री से संसद में जवाब देने की मांग की थी। सरकार ने अपनी जवाबदेही से बचकर विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया। मुद्दा चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो या फिर स्वास्थ्य का हो, सरकार इन मुद्दों पर बहस करने से कतरा रही है। जनता की आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबा दिया जाता है। आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री झूठी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उन्हीं की सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। 144 सांसदों के निलंबन से देश की जनता में आक्रोश है। इस मौके पर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित अपर उप जिलाधिकारी सदर सचिन राजपूत को पेश किया गया। प्रदर्शन और ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए वरिष्ठ नेता कामरेड विजय सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज मुद्दा, मूल मुद्दा यह है कि ये जो लोकतंत्र है हमारे यहाँ, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है और सरकार को हर बात का जवाब देने की जिम्मेदारी है। लेकिन हो क्या रहा है कि आम आदमी की बात तो छोड़िए, आम आदमी की बात तो छोड़िए, जो संसद है हमारी, आज संसद का भी जो माने महत्व तो है हमारे समाज में, एक सबसे बड़ी पंचायत है हमारे देश की, उसमें जो हमारे माननीय सांसद हैं उनको सवाल पूछने के आधार पर ही उनको निलंबित कर दिया गया, बजाय उस सवाल का जवाब देने के। गृह मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, तमाम सारी जगह वो बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते, नहीं बयान नहीं देते, लेकिन जो पार्लियामेंट है, जिस पार्लियामेंट को खुद ये कहते हैं कि भाई ये लोकतंत्र जो की माँ है, भारत जो है लोकतंत्र की जननी है, लेकिन आज जो भारत है उसमें क्या हो रहा है, जो संसद है, संसद एकदम एक तरफा हो गई, एक एक करके 144 सांसदों को जो है निलंबित कर दिया। और उनका अपराध सिर्फ ये है कि वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जो ये संसद में जो प्रकरण हुआ था, आप सभी जानते हैं, जो दो लड़के घुसाए थे तो कैसे घुसाए थे, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये सवाल सिर्फ वो लोग पूछ रहे हैं और इस सवाल का कोई जवाब ना देके सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। तो सवाल ये है, जब संसद की यह स्थिति है तो संसदीय परंपराएं, जो संसदीय मूल्य हैं, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, उन सबको एक तरीके से रौंदा जा रहा है और उसके खिलाफ आज का एक प्रदर्शन है पूरे देश में। क्या मांग करना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही है कि जो सांसद हैं 144, उनको बहाल किया जाए और जो लोकतांत्रिक रीति रिवाज है, जो लोकतांत्रिक मान्यताएं हैं, जो संसदीय मान्यताएं हैं, उनको बहाल किया जाए, उनको मूल्य दिया जाए। इस मौके पर कामरेड कासिम अली, एमपी सिंह, एडवोकेट रामकिशोर रस्तोगी, रिजवाना, अनीता महिपाल सिंह एवं जिला प्रभारी कामरेड रोहतास राजपूत सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।